हेलो, कैसे हो आप सब? तो हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। और दोपहर हो गई है और ऋषभ अभी ट्यूशन से आया है। ये देखिए, ऋषभ ट्यूशन से आ गया है और एक गाड़ी के साथ खेल रहा है। आज गोलू ने एक गाड़ी खरीद कर लाया है, मिट्टी गाड़ी, उसी के साथ खेल रहा है। ऋषभ की आज स्कूल छुट्टी थी और रिया स्कूल गई है क्योंकि ऋषभ का कल से पेपर स्टार्ट है, इसलिए ऋषभ की छुट्टी मिली थी 2 दिन के लिए घर पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज ऋषभ की सुबह ट्यूशन थी, तो ऋषभ अभी आया है, 12 बजे घर आया और आते आते बोला मम्मा मुझे आज चिप्स खाना है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे गोलू बाबू है। गोलू हेलो करो सबको। हेलो। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने चिप्स छान के लाया है और ये गोलू, ये सब गाड़ी पे, ये सब मिट्टी वाली गाड़ी जो खरीद के लाया है, सारे चिप्स के अंदर डाल के तब खेल रहा है। गोलू ये क्या कर रहे हो बेटू, खाने के लिए लाए हो ना? और ऋषभ आप भी उसके साथ, हाँ आप भी उसके साथ मिल गए हो क्या? बोले मम्मा चिप्स खाने का मन हो रहा है तो खाओ। तो ये चिप्स अच्छा लगता है ऋषभ को, ये वाली। तो हम लोग यही चिप्स खा रहे हैं और खाना भी, मैंने खाना बन गया है और सुबह आलू पराठा बनाई थी मैंने नाश्ता में। तो रिया ले गई लंच और ऋषभ ने भी अपना नाश्ता करके गया था ट्यूशन पढ़ने, गोलू ने भी खा लिया था और मेरी भी नाश्ता हो चुकी थी। और अभी ऋषभ आया है, आते ही कह रहा है, मैंने कहा खाना खा लो, तो कह रहा है भूख नहीं है, चिप्स छान दो, अभी चिप्स खाऊंगा, खाना जब रिया आएगी तब खाएंगे सब। तो मैंने चिप्स छान के लाई हूँ और बस ऋषभ चिप्स खा के पढ़ने बैठो, ठीक है बेटा? कल पेपर है ना आपका, तो बस ऋषभ को मैं जा रही हूँ थोड़ा सा तैयारी करवा लूँ, कल मैथ का पेपर है, उसके बाद अभी खा ले रहा है, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएगा, फिर उसके बाद रिया आएगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। हाँ बोलो, खाना खाओगे? भूख लगी है? मुँह दिखाओ। अच्छा मुँह दिखाते हैं, कोई नहीं से कौन मुँह दिखाता है। तो ये लोग देखो क्या कर रहे हैं चिप्स के साथ। तो चलो मैं अब इन लोगों को डांटूं और डांट के अच्छे से खिलाऊं, नहीं तो ये लोग गाड़ी में रख के खेलते रह जाएंगे। और खाना इसके बाद उस ऋषभ को पढ़ने बैठाऊं, फिर ये आएगी तब सब मिलके खाना खाएंगे। गोलू ये सारा चिप्स को तोड़ के गाड़ी में रख लिए, ये देखिए सारे चिप्स को तोड़ के और ये गाड़ी के अंदर घुसा के रख दिए हैं। और उसके बाद ये दोनों भाई उसके बाद उठा के खा रहे हैं, देख रहे हो दोनों भाई खाए, दोनों भाई के खाना खाने का स्टाइल। गोलू क्या करते हो बेटा, ये कितना गंदा कर दिया, देखो कितना फैला दिया, थाली को ऐसे उलाड़ के रख दिया, इतना फैला के रख दिया। मम्मा को कितना काम करना पड़ेगा बताओ तो। और अब ऋषभ तुम्हारा हो गया खाना, पढ़ाई करें? अभी नहीं हुआ है, फटाफट करो बेटा, टाइम नहीं है, 1 बजने वाला है, ठीक है जल्दी करो। ये देखो इतना बदमाशी किन के बच्चे करते हैं, ऐसे बदमाशी, हाँ ऐसे हंगामा कौन मचा के रखता है। और ये आज ही गाड़ी लेकर आया था गोलू ने, आज ही मैंने गोलू को ये 10 रुपये वाली गाड़ी खरीदी थी मिट्टी वाली, और ये आज ही तोड़ के रख दिए। गोलू आज के बाद तुम गाड़ी खरीदने के लिए नहीं बोलोगे ना, आज के बाद गाड़ी खरीदने के लिए बोलोगे? देखो आज इसको पिटाई लगाती हूँ। बोलू आज के बाद गाड़ी खरीदने के लिए नहीं बोलोगे ना मम्मा को? बोलोगे? गाड़ी क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा गाड़ी? हाँ बना जा, बना दोगे? तो ये गाड़ी खुलने वाली है, खुल भी जाती है। आज ही मैं ऋषभ को जब ट्यूशन छोड़ के आ रही थी तो वहाँ से ले ये गाड़ी खिलौने बेचने वाले जा रहे थे, तो वहीं से मैंने खरीदा था 10 रुपये की ये गाड़ी। बोलू कि इसीलिए मैं कभी भी महंगे कोई भी खिलौने नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि ये उसको इतनी तोड़ फाड़ के रख देता है, झूठ मूठ का पैसा बर्बाद। गोलू अब मैं तुम्हें कभी भी कोई भी गाड़ी नहीं खरीदूँगी, तो अब नहीं तोड़ोगे ना, अब कोई भी नहीं तोड़ोगे ना, ऐसे ही बोलते हो, लेकिन ले आते आधे घंटे में तोड़ देते हो। सुबह 10 बजे गाड़ी लेकर आया है, अभी 1 बज रहा है गाड़ी टूट गई है, देखो गोलू की एक्टिंग। मैं डांट रही हूँ, गोलू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गोलू अपने मस्ती में है, गोलू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी मम्मा मुझे क्या बोल रही है। चक्कर आए, चक्कर आ गए, ये देख लो। गोलू पूरे दिन मस्ती करते रहता है, और एक दिन ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते गोलू बेड से नीचे गिर गया था। हाँ गोलू याद है कैसे बेड से नीचे गिर गए थे, कैसे गिर गए थे? टकले में लगी थी तुम्हें, लग गई थी ना? अब नहीं करो, बिल्ली बिल्ली खेलोगे? हाँ बिल्ली बिल्ली खेलो, खड़े होके मत घूमो, बेड पे नहीं घूमो गोलू, फिर नीचे गिर जाओगे धप से। ये गोलू की मस्ती पूरे दिन ऐसे ही चलते रहती है। हाँ
अब मैं जाऊँ जाके ऋषभ को पढ़ने बैठाऊँ। जुड़ गया गाड़ी। जुड़ गया तो छोटे भाई गाड़ी तोड़ता है और बड़ा भाई गाड़ी बनाता है। सही है, एक का काम तोड़ने का है, एक काम बनाने का। हाँ हाँ, अच्छा बड़ा भाई गाड़ी तोड़ता है, छोटा भाई बनाता है। नहीं, छोटा भाई गाड़ी तोड़ता है, बड़ा भाई बनाता है। छोटे भाई ने गाड़ी तोड़ा था। नहीं, छोटा भाई तो बहुत बदमाशी करता है, छोटा भाई बहुत बदमाशी करता है। नहीं, बड़ा भाई बहुत अच्छा है और छोटा भाई बहुत बदमाशी करता है। ओ भाई, भाई तो नहीं, छोटा छोटा भाई जो है ना गंदा बच्चा है। छोटा भाई, बड़ा भाई गंदा बच्चा है। छोटा भाई गंदा बच्चा है, छोटा भाई बदमाशी करता है। तोड़ के दे है बड़ा भाई। नहीं, देख रहे हो ना गोलू कितनी बातें करता है। ये इतनी सी छोटी सी गोलू इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है। स्कूल जाने के नाम लो ना गोलू, स्कूल जाओगे? बस इसकी छुट्टी हो जाती है, कहती है छुट्टी है मम्मा। ए गोलू स्कूल है, गोलू स्कूल जाओगे? स्कूल हाँ। ए गोलू पढ़ने बैठो। ए गोलू तुम्हारी पढ़ाई हो गई? अब देखना कैसे बोलेगा। गोलू तुम्हारी पढ़ाई हो गई? हाँ पढ़ लिया। कब पढ़ा था? भैया के साथ पढ़ा था। भैया तो ट्यूशन गया था पढ़ने के लिए। आप गए थे ट्यूशन? हाँ देखो कितना बात बनाता है, पढ़ लिया ये। सुबह से उठ के खाली खेल रहे हैं और पढ़ लिए। चल कॉपी ले गोलू, कॉपी लेके पढ़ने बैठो। आइए रात में गोलू ये सब पढ़ा है, ये सब देखो पढ़ा है गोलू ने। अलमारी पे पढ़ता है गोलू की ये बोर्ड है। रात में गोलू सर बन गया था, है ना गोलू? तो यहाँ पे गोलू खाना वाना खा के सो गया है और ऋषभ अपना पढ़ाई कर रहा है, कल पेपर की तैयारी कर रहा है। और रिया यहाँ पे खाना खा रही है। तो सब बच्चे अपने अपने काम कर रहे हैं। रिया का खाना सबसे लेट में ख़त्म होता है। रिया भी स्कूल से आ गई है। हम लोग भी रिया के साथ ही खाना खाने बैठे थे, खा के उठ भी गए। ऋषभ पढ़ाई भी करने लगा और ये गोलू बाबू सो के उठ गए हैं और गोलू उठते उठते पढ़ाई करने लगा। ना गोलू, मेरा गोलू पढ़ाई कर रहा है और ये मैं गोलू पढ़ाई कर रहा हूँ और हम लोग चाय पी रहे हैं। हाँ गोलू पढ़ाई कर रहा है मेरा, है ना गोलू? गोलू पढ़ाई कर रहे हो ना? मामा चाहते हैं चाय। अब गोलू भी चाय पियोगे? अब गोलू भी चाय पिएगा ना गोलू? और यहाँ पर सब पढ़ाई कर रहे थे, रिया ऋषभ सब यहीं पर हैं और चाय पी रहे हैं। अब गोलू बिस्किट खाएगा। तो ठीक है चलो, अब चाय बिस्किट खिलाऊँ गोलू को, नहीं तो गोलू सब चाय गिरा देगा। अभी बिस्किट निकाल के नीचे क्यों रखने लगे बेटू? तो ये देखिए गोलू ने पढ़ाई किया है पूरे अपने पैर पे, पूरे पैर पे ही पेन का पूरा ये सब क्या कर दिया है। देखिए गोलू पैर पे कौन पढ़ाई करता है? पैर पे सबका नाम लिखे हो? देखो क्या कह रहा है कि पैर पे सबका नाम लिखा है, भैया का, मम्मा का, पापा का, अपना, सबका नाम लिखा है। गोलू पैर पे नहीं पढ़ाई करते बेटा, कॉपी में पढ़ाई करते हैं। ओके अले मिले, अच्छे बेटा है। क्या है तुम्हारे हाथ में? पैसे हैं। ये कहाँ खरीदोगे पैसे से बेटू? एक चॉकलेट का, एक तरबूज का पैसा है। तो गोलू का जो फेवरेट है वो बता दिया, गोलू का फेवरेट है तरबूज और चॉकलेट। तो गोलू ये पैसे से चॉकलेट और तरबूज किनेगा। मुझे भी खिलाओगे? ओरे मेरे बेटा थैंक यू नन्नो। नो नो नहीं खिलाओगे? ठंडा है चॉकलेट, नहीं खिलाओगे मुझे? खेल रहा है गोलू। गोलू देखो बाजार जा रहा है तरबूज खरीदने के लिए। और यहाँ पर रिया मैडम क्या बना रही हो? और यहाँ पर रिया रेम्बो बना रही है। और ये मेरा गोलू मार्केट से आ गया, देख रहे हो कितना अच्छे से गेम खेलता है गोलू मेरा। मार्केट से आ गया और मेरा ऋषु बेटा पढ़ाई कर रहा है। ये दोनों खेल रहे हैं, मेरा बेटू पढ़ाई कर रहा है क्योंकि कल ऋषभ का एग्जाम है। भैया को छोड़ दो, भैया को पढ़ने दो, तुम अकेला अपने जाके खेलो। चलो
खेलो तुम अपना अकेले। ओ शाम हो गई है, गोलू ने भी चाय बिस्किट खा लिया, मैंने भी चाय पी लिया और अब मैं जा रही हूँ, क्या करूँगी बताओ बताओ, बर्तन धोना है मुझे अब। मेरे को आपको क्या करना है, क्या करना है आपको? एप्पल खाना है तो चलो एप्पल खाना है, गोलू का एप्पल खाना है, मैं अभी ला के देती हूँ। और बाहर देखो कितना अच्छा मौसम किया हुआ है, पपीता भी खाना है। हाँ। बाहर बहुत अच्छा मौसम किया, आज बहुत हवा चल रही है, आज ठंडा ठंडा मौसम है, आज गर्मी नहीं है तो ठंडी लग रही है। और गोलू इधर, ऋषभ इधर खिड़की के पास बैठा है, हवा चल रही है तो ठंडी लग रही है। तो मैं जा रही हूँ गोलू के एप्पल खाना है, मैं एप्पल दूँ उसके बाद अपना दिया दिखाऊँ, शाम की पूजा कर लूँ, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। चलो तो यहाँ पे सारे बच्चे खा लिए हैं और रिया भी अब पढ़ने बैठ गई, और ऋषभ तो पढ़ ही रहा था लेकिन उसने भी खाया, खा लिया। और अब मैं जा रही हूँ अपने खाना बनाऊँगी, इधर ऋषभ अपना होमवर्क कर रहा है, मैं फटाफट खाना बना लूँ क्योंकि जल्दी बना लूँगी खाना, ऋषभ जल्दी खाना खा के सो जाएगा क्योंकि ऋषभ को फिर सुबह कल स्कूल जाना है। तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाना, रोटी बनाऊँगी मैं, रोटी और सब्जी बनाऊँगी। तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने आज छोटा सा ब्लॉग बनाया, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिला। बाय गोलू, बाय करने के लिए आ गया देखिए, और गोलू अभी भी अपने एप्पल खा रहा है ना गोलू, ये देखिए। और पता नहीं यार सुबह से ही मेरी आँख क्यों फड़फड़ कर रही है, बहुत फड़फड़ा रही है, दर्द हो रहा है ये आई में। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाय बाय। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चलो तो करते हैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंट कर रही हूँ। बाय।